नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली, जिसके बाद अब कांग्रेस राजस्थान चुनाव का आगाज ही बजरंग बली के धाम से करने जा रही है। चूरू के सालासार बालाजी धाम में आगामी 1 और 2 जुलाई को कांग्रेस का महामंथन प्रस्तावित किया गया है। इसे कांग्रेस विधायकों के प्रशिक्षण शिविर का नाम दिया गया है, जहां पर उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। लेकिन ये बात भी कही गई कि पार्टी अपनी चुनावी रणनीति इसी मंथन में तय करेगी। सालासार बालाजी में प्रस्तावित कांग्रेस के इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सीएम अशोक गहलोत समेत सभी मंत्री, विधायक और पार्टी के पदाधिकारी शामिल होंगे। खास बात यह है कि कांग्रेस ने इसके लिए राजस्थान का प्रसिद्ध सालासर बालाजी धाम चुना है। और ये बात भी कही गई, ये बात मानी गई कि पार्टी ने ये कदम कर्नाटक में बजरंग बली पर हुई सियासत को देखते हुए उठाया है। कर्नाटक में कांग्रेस के बजरंग दल को बैन किए जाने की घोषणा के बाद खूब राजनीति हुई थी। भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया था। हालात ये हो चुके थे कि बाद में कांग्रेस को डैमेज कंट्रोल करना पड़ा था। अब आगामी राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले ही कांग्रेस अपनी उस छवि से बाहर आना चाहती है। पिछले दिनों प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश दौरे के दौरान रास्ते में लगाए गए बजरंगबली के गधे इसी कोशिश का हिस्सा भी कहे गए। अब राजस्थान में भी कांग्रेस शुरुआत से ही बजरंगबली का आशीर्वाद चाहती है। सालासार को इसीलिए चुना गया क्योंकि पिछले साल सालासार बालाजी का गेट गिरा दिया गया था। इसे लेकर भाजपा ने सरकार की खूब आलोचना की थी। अब कांग्रेस सालासार बालाजी के बहाने प्रदेश की जनता को सकारात्मक संदेश देना चाहती है। राजस्थान में कुछ महीनों बाद चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस ने अपने अभी से चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी के 1 और 2 जुलाई को सालासर में प्रस्तावित 2 दिवसीय कार्यक्रम में चुनावी रणनीति को ही अंतिम रूप दिया जाएगा। इसमें तय किया जाएगा कि चुनाव को कैसे लड़ा जाए ताकि प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार बन सके। इसके लिए विधायकों को यह बताया जाएगा कि वो कैसे आम लोगों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाए। सालासर में होने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में विधायकों को खासतौर से यह समझाया जाना है कि उन्हें चुनाव की तैयारी के लिए क्या करना है और क्या बोलना है। साथ ही यह भी तय होगा कि प्रदेश में भाजपा को कैसे घेरा जाए। मंथन में कांग्रेस की जीत का एक रोडमैप भी तैयार किया जाएगा। विधायकों को यह भरोसा दिलाया जाएगा कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, एक रहकर चुनाव लड़ना है। आगे अब देखना होगा कि आगे और राजनीति में क्या कुछ होता है, किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी जनता का दिल जीतने के लिए कोशिश करती है। तमाम और भी बड़ी जानकारियां आप सभी तक पहुंचाएंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। धन्यवाद।